धरती की। ये गीत हमारी माटी के संस्कारों की परिपाटी के परंपरा की झलक संजोए लोक गीत हमारी माटी के। कुछ आंसू हैं, कुछ खुशियां हैं, कुछ मौसम हैं, मन बतियां हैं, मेले भी हैं और नदियां हैं, कुछ झूले हैं, अंगनैया हैं, पूजा भी है, त्योहार भी है, ये माटी का आधार भी है, ये अपनी धरोहर गाती है, लोक रंग से धरा सजाती है, ये अपनी विरासत अनुपम है, स्वर संपदा ये सर्वोत्तम है। आओ इस पर अभिमान करें, इन गीतों का रसपान करें, लोकगीत हमारी माटी के संस्कारों की परिपाटी के धरती के गीत। लोकगीत हमेशा से पहचान रहे हैं हमारी सभ्यता की, हमारी संस्कृति की। कोई भी संगीत विधा लोकगीतों का मुकाबला करने में असफल रही है। ये हमेशा से सार्थक थे, सार्थक हैं और सार्थक रहेंगे। बस हमें ही प्रयास करने होंगे अपने इस लोक साहित्य को, अपनी इस लोक विरासत को संवारने के, सहेजने के। और उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है आकाशवाणी की लोक संपदा संरक्षण महापरियोजना। आकाशवाणी रामपुर ने इस महाअभियान में अपनी भागीदारी निभाई है। इन दिनों ग्राम हरियाल क्षेत्र चमरौआ जिला रामपुर की लोधी जाति के कुछ संस्कार गीत आप सुन रहे हैं, उमा देवी, हितिया, कमला देवी, निर्मला देवी और गायत्री के स्वर में। आज के कार्यक्रम की शुरुआत इस बात गीत के साथ। बहन भाई से अनुरोध कर रही है कि चाहे कुछ भी ना हो, मेरे भाई के पास अपनी बहन को देने के लिए सब कुछ है, कैसे भी करके वो कोई ना कोई व्यवस्था कर उसके लिए भात जरूर लेकर आएगा। Yeah.
ये भी एक भात गीत है जिसमें बिटिया अपने पिता से भात मांगती है। साथ ही दिल में एक कसक भी है, एक पीड़ा भी है कि भाई के बिना उसे कुछ भी शोभा नहीं देता, लेकिन फिर भी ये रस्म तो निभानी ही है। विवाह संस्कार से आइए अब चलते हैं जन्म संस्कार की ओर। सोहर गीत जिसमें जच्चा बताती है कि उसका दिल ककड़ी खाने को चाह रहा है, किसी को भी भेजो उसके लिए ककड़ी का इंतजाम करो। ककड़ी में ओ बे ये लाल मेरो रे मन ककड़ी
ये गीत भी एक सोहर है। नवप्रसूता को नवजात प्राप्त हुआ है, सभी बहुत खुश हैं, लेकिन नजदीकी रिश्तेदारों ने मुंह फुला लिया है। जाने किस बात पर वो नाराज हैं, कोई भी नहीं आया है। तब जच्चा कहती है कि चाहे कोई आए या ना आए, मेरा बेड़ा मेरे राम जी पार करेंगे। आपको सुनवाते हैं एक और जच्चा गीत, जिसमें जच्चा कहती है कि बच्चा होते समय उसकी तीनों नंदें आई हैं, बच्चा होने की सौगात में उपहार मांग रही हैं। उसके लिए उपहारों की व्यवस्था करना कितना मुश्किल है, सबकी अपनी अपनी मांग है, अपनी अपनी ख्वाहिशें हैं। जी तो चाहता है कि सबकी ख्वाहिशें पूरी कर दे, यही भाव है इस सोहर के। ना
आपको सुनवाते हैं एक और सोहर गीत। इस जच्चा गीत के भाव हैं कि नव प्रसूता के घर से यानी कि उसके मैके से बहुत सारे उपहार आए हैं उसके बेटे के जन्म के उपलक्ष्य में। वो उपहार देने के लिए सभी को बुला रही है। गीत प्रस्तुत है जिसमें भाई बहन से शिकायत करता है कि उसका बिस्तर, उसके लिए मंगाई गई मिठाई, उसको खिलाने के लिए बनाई गई पूरी अच्छी नहीं है और उसे दर्जी, हलवाई या तेली से विवाह कर लेना चाहिए। आपस की छेड़छाड़ इस भात गीत के प्रमुख भाव हैं। I'm not.
प्रस्तुत गीत एक बन्ना गीत है। बारात द्वार पर आ चुकी है, सभी स्वागत के लिए आतुर हैं। लेकिन इस अवसर पर वर और वधु पक्ष के लोग आपस में एक दूसरे से छेड़छाड़ भी करते हैं। इस गीत के भाव हैं कि बन्ना बहुत सारा सामान लेकर भाग गया है, उसे बुलाओ ताकि विवाह की रस्म पूरी हो। ग्राम हरियाल क्षेत्र चमरौआ जिला रामपुर की हिंदू समुदाय की लोधी जाति के ये संस्कार और पर्व गीत थे उमा देवी, हितिया, कमला देवी, निर्मला देवी और गायत्री की आवाजों में। हमारी इस लोक यात्रा का पड़ाव आज इसी स्थान पर। कल यहीं से पुनः आरंभ करेंगे यात्रा का अगला चरण। असीम आपके साथ।